चलो चलो इनको थोड़ा दूर। हाँ जी हाँ जी देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो अचानक से जो बॉर्डर शेलिंग जो हो रही है, तो ये पिछले जब से जो 370 जो है वो हमारे इस जम्मू कश्मीर से जो एब्रोगेट हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान जो है लगातार जो है वो बॉर्डर पे जो फायरिंग कर रहा है। और बॉर्डर जो फायरिंग है वो पहले तो चलो जो फायरिंग होती थी वो बॉर्डर पर जो पोस्टें थी हमारी उन तक जो है वो सीमित थी, लेकिन अब जो है पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि जितने भी रिहायशी इलाके बॉर्डर के आसपास हैं उनको टारगेट किया जाए। तो उससे जो है काफ़ी भय का और काफ़ी डर का माहौल है गाँव वालों के, जितने भी बॉर्डर पर गाँव पड़ते हैं। पिछले कई महीनों से आपने देखा है कि कई जो लोग जो है वो अपनी इस बॉर्डर शेलिंग में जो सिविलियन है उन्होंने भी अपनी जान गंवाई है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर इस तरह का कोई कन्फ्लिक्ट है, जो बॉर्डर शेलिंग है वो अगर बॉर्डर तक ही महदूद रहे तो वो अच्छा है, ना कि जो है वो जो सिविल पॉपुलेशन है उसको टारगेट किया जाए।